दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े-अड़े मुंह तीन तीन मरले दे। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में ये कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय खोरा है और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के असासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को, पर कैपिटल इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 200% ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं? जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान को इस नहज पर कौन लेकर आया है? पाकिस्तान और इंडिया का हर लिहाज से जो डिफरेंस पैदा हो गया है कि इंडिया इतना आगे चला गया बहुत सारे लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पीएचडीज के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया भर में इंपैक्ट के लिहाज से, नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो ट्रेड बंद की थी उसके बाद भारत सरकार ने एक फैसला लिया और ये उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान से भविष्य में अगर कोई भी सामान भारत के अंदर आता है यानी कि इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर 200% जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगेगी ताकि पाकिस्तान का जो सामान है वो आसानी के साथ इंडियन मार्केट में ना पहुंच पाए। अब ये बयान दिया है पाकिस्तान के एक मंत्री ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही है। हम देखने वाले हैं, वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कि देयर वाज अ सुसाइड अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स इन फरवरी 2019 जिसमें 40 जो CRPF के जो जवान थे वो अपनी जान से चले गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 200% ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं? जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं, उस इंडिया ने 200% ड्यूटीज क्यों लगा दी? दैट इज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम ये अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहें कि इंडिया ने 200% क्यों ड्यूटीज लगाई तो फिर उसको जानना होगा कि क्यों MFN स्टेटस वापस लिया, क्यों ड्यूटीज लगाई और क्यों पाकिस्तान ने भारत को MFN स्टेटस पूरी जिंदगी ना दिया। वो भारत जिसने पाकिस्तान को MFN स्टेटस जो है बैक इन 1990 के करीब 1981 के करीब दे दिया और हम नहीं देना चाहते वो स्टेटस, उसकी क्या वजह है? आप इसके बारे में सवाल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन आंसर एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सॉरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस चीज के बारे में बताया। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। That is what the central question which Indian leadership is raising with Pakistan. कि आप दिन में हमारे साथ कारोबार करते हैं, रात को, अब हम क्या भारत को ये कन्विंस कर चुके हैं, कर सके हैं? और अभी क्योंकि भारत ये कह रहा है कि कश्मीर का जो स्टेटस है, जो कश्मीर का स्टेटस है उसको वैसे माने जैसे हम कहते हैं, और पाकिस्तान कहता है अब हम ये करने को तैयार नहीं है।
सो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन करने देते हैं तो इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। और ये जो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को दे रही है कि इंडिया से कारोबार करो, इंडिया से कारोबार करो, उस हवाले से डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन इंडियन कम्युनिटी को सीधा बता दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करने जा रहे। और ये अपने उन्होंने बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी जो है जो 2019 से लेके 2024 तक है उसका क्लियरली बता दिया। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने 2024 में 23 में सोचा है कि जो ट्रेड है दैट शुड बी द सेंट्रल थीम ऑफ रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन हमने 1947 में से लेके बीच में 76 साल गुजर गए, हमें कभी ख्याल ना आया कि भारत ने दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, हमें इसे कारोबार करना चाहिए, इसी भारत के जरिए हम बांग्लादेश जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम नेपाल जा सकते थे, इसी भारत के जरिए हम श्रीलंका तक हमारी गाड़ी जा सकती थी। भाई यहां से चलते आप लाहौर से और सारा इंडिया क्रॉस करते एंड देन पहुंच जाते श्रीलंका, अगर वहां पे ब्रिजेस बने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, पहुंच जाते आगे हम कहीं और। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने ये सारा किया। आज हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, आज हम सऊदी अरब को कहते हैं पाकिस्तान में पैसा लगाओ, आज इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा देना था। क्या मुकेश अंबानी, मित्तल्स, जिंदल्स, टाटास, बिरलास ये पाकिस्तान में पैसा ना लगाते जो पूरी दुनिया के मुल्कों में लगा रहे हैं? क्या उनको यहाँ पे मार्केट नजर नहीं आती? बिल्कुल आती। हम जाके सऊदी अरब को कह रहे हैं कि प्लीज आ जाएं, मुसलमान ममालक है ना भाई, आप कारोबार मुसलमान होने की बेसिस पे नहीं करते, कारोबार का जो ताल्लुक है वो प्योरली आपके इंटरेस्ट से होता है, जो कैपिटल है वो वहां पे जाता है जहां पे उसको जाना होता है, कैपिटल वहां पे नहीं जाता जहां पे आप समझते हमारा भरा है, साड़ी भैन है, साड़े यार ने, साड़े रिश्तेदार ने, रिश्तेदारों के पास कैपिटल नहीं जाता। आज हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पूरे खित्ते में कर ले होते अगर हमने उस वक्त भारत की तमाम रिकमेंडेशन, हम कह देते देर इज अ डस्टी रोड टू न्यू दिल्ली एंड देर इज अ गोल्डन रोड टू काबुल, नाउ देर इज अ डस्टी रोड टू दिल्ली तो ऑलरेडी है ही है, बट देर इज ऑल्सो अ डस्टी रोड टू काबुल। अब हम जो है वो न्यू गोल्डन रूट ढूंढ रहे हैं बीजिंग एंड रियाद की तरफ। सो हमें जो चीज करनी चाहिए, अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिसर्च आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 80% इंक्रीज हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन कर लें। 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के जो पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा उनको सुना है, वो यहाँ पर इसी बात को, इसी खबर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड तो बंद कर दी लेकिन फिर भारत ने भी जो है ना कड़े फैसले लिए हैं, और अब पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत को ट्रेड को लेकर बात कही जा रही है, गुहार लगाई जा रही हैं। तो भारत ने स्पष्ट कह दिया कि एक तो आतंकवाद को ख़त्म करो, दूसरा अगर ट्रेड शुरू होगी तो वो भारत की शर्तों के साथ शुरू होगी, यहाँ पर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रही हैं और उनका मीडिया भी इसी प्रकार से डिस्कस कर रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।